नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम न्यूज रूम में। न्यूज रूम में आज हम चर्चा करेंगे प्रदेश के कुछ खास और बड़ी खबरों की। ओर कर्नाटक में स्कूल कॉलेजों में लड़कियों के हिजाब पहनने के विवाद इंदौर मध्य प्रदेश तक पहुंच गया। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हिजाब यूनिफॉर्म कोड का हिस्सा नहीं है, अगर कोई हिजाब पहनकर स्कूल आता है तो प्रतिबंध लगाया जाएगा। मध्य प्रदेश में स्कूल यूनिफॉर्म कोड के अनुसार ही बच्चों को आना होगा। वहीं हम स्कूल यूनिफॉर्म कोड को लेकर काम कर रहे हैं, अगले सेशन में यूनिफॉर्म कोड पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा। वहीं उन्होंने कुछ और बड़े बयान भी दिए, वो भी हम आपको बताते हैं। मंत्री परमार ने कहा कि भारत की मान्यता है जो लोग जिस परंपरा में निवास करते हैं वे उसको अपने घर तक ही पालन करें। स्कूल में यूनिफॉर्म कोड है वो लागू किया जाएगा, उसका पालन करना चाहिए। वहीं सभी स्टूडेंट से सम्मान्यता का भाव रहे, अनुशासन रहे और स्कूल की एक अलग पहचान बने, इसके लिए यूनिफॉर्म कोड काम करती है। वहीं मध्य प्रदेश में अगले ही कुछ पलों में यूनिफॉर्म की सारी सूचनाएं पहले ही दे दी जाएंगी, समय पर इसे लागू कर दिया जाएगा। ड्रेस कोड पर जो है वो चर्चा करी जाएगी और किसी भी तरीके से स्कूल यूनिफॉर्म को लेकर कोई भी चेंजेस जो हैं वो नहीं करे जाएंगे, क्योंकि स्कूल यूनिफॉर्म को लेकर अब मुद्दा जो है वो बढ़ता जा रहा है और सियासत भी जो है इस पे तेज़ होती जा रही है, जिसको मद्देनज़र मध्य प्रदेश में साफ कर दिया गया कि स्कूल यूनिफॉर्म को लेकर किसी भी तरीके का कोई चेंजेस नहीं करे जाएंगे, क्योंकि स्कूल ही एकमात्र ऐसी जगह होती है जहां सभी स्टूडेंट्स एक ही तरीके से आते हैं और एक ही तरीके से अनेकता में एकता का प्रतीक बनते हैं। वहीं हम बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो इंदौर से आ रही है। अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड जल्द ही सिटी बस में सफ़र करने वालों को नई सौगात देने जा रहा है। इसमें इंदौर में बसें जो चलने वाली हैं उनमें आधुनिक बसें भी जो है वो शुरू हो जाएंगी। इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टेशंस बने जाएंगे। शेयरिंग साइकिल से लेकर किराए में छूट तक जो है फैसिलिटीज़ जो है वो अब शामिल होने वाली है। डिजिटल ट्रांजैक्शन पर भी जो है 20% की छूट दी जाएगी। ये सबसे बड़ा ऐलान जो है वो आएगा कि अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं, पब्लिक बस यूज़ कर रहे हैं और पब्लिक बस से किसी एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं और ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो 20% तक की आपको छूट दी जाएगी। वहीं AICTSL की बसों में सफ़र करने वाले यात्रियों को अब किराए में छूट की सुविधा भी मिली जाएंगी, खासकर रूट नंबर 15 एवं 5, यानी संगम नगर से खजराना और रिंग रोड पर सफ़र करने वाले यात्रियों को छूट दी जाएगी। वहीं डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए इन रूटों पर कैशलेस ट्रांजैक्शन जो भी यात्री करेंगे उन्हें 20% तक की छूट दी जाएगी। इन ट्रांसलेशन में बसों में स्मार्ट कार्ड का उपयोग करा जाएगा और टैप इन टैप आउट का तकनीक के माध्यम से इन बसों में यात्रा कर सकेंगे। और ये जो नई फैसिलिटीज़ जो बसों में जो हैं वो अब लागू करने जाने वाली है, इससे बेशक जो यात्री हैं उन्हें भी सुविधा होगी, उन्हें भी जो पेमेंट को लेकर कई बार जो असुविधा होती है उनसे कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। और बहुत सारी नई फैसिलिटीज़ जैसे कि ई व्हीकल भी जो हैं वो शुरू कर दिए जाएंगे, साइकिल फैसिलिटीज़ भी जो हैं वो शुरू कर दी जाएगी। वहीं अब बढ़ते हैं इंदौर के प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर की अपडेट की ओर। तो खजराना गणेश मंदिर पहुँचने के लिए श्रद्धालु को एक और नई सौगात मिलने वाली है। प्रेम बंधन गार्डन के सामने शासकीय भूमि पर गोयल नगर के रास्ते पर खजराना गणेश मंदिर तक नए रास्ते का सर्वे किया जाएगा। यह रास्ता 18 मीटर चौड़ा एवं 1.5 किलोमीटर लंबा रहेगा। यह रास्ता जो है वो MR 10 से मिलता है और इसे लेकर सर्वे किया जाएगा। खजराना गणेश मंदिर परिसर में VIP एवं वर्तमान प्रवेश द्वार का भव्य गेट बनाया जाएगा। मंदिर में सोलार कैंपस बनाया जाएगा ताकि मंदिर अपनी बिजली की आपूर्ति खुद कर सके। वहीं इसी के साथ ही इसके जो टेंडर है वो भी जल्दी जारी कर दिए जाएंगे। निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने मंदिर में भक्त सदन, प्रवचन हॉल, गौशाला और शू रैक बनाने के कार्यों की भी जो है वो समीक्षा बैठक ली गई है। और इंदौर में खजराना गणेश मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है, हज़ारों की मात्रा में श्रद्धालु यहाँ पर भगवान श्री गणेश जी के दर्शन के लिए आते हैं। ऐसे में ये जो सुविधाएं जो अब उपलब्ध होने वाली हैं उससे श्रद्धालुओं को काफ़ी सारी जो है फैसिलिटीज़ मिलने वाली हैं। वहीं अब बढ़ते हैं आज की लेटेस्ट अपडेटेड स्टूडेंट अपडेट की ओर। तो इंदौर की DAVV IET के ई सेल ने बड़ी सफलता हासिल करी है। ई सेल यानी एंटरप्रेन्योरशिप सेल ने IIT बॉम्बे द्वारा आयोजित
नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज कंपटीशन जीतकर इंदौर के डीएवीवी का नाम रोशन किया है। इस कंपटीशन में 500 से ज़्यादा इंस्टीट्यूट ने अपनी दावेदारी रखी थी, मगर सभी को पीछे छोड़ते हुए आईटी के इस सेल ने अपना मुकाम हासिल कर पाए। इस सफलता के बाद यूनिवर्सिटी के कुलपति सहित आईआईटी के डायरेक्टर डॉक्टर संजीव टोकेकर सहित स्टाफ ने जो विजेता स्टूडेंट्स हैं उन सभी को बधाई दी और शाबाशियाँ दी। वहीं बढ़ते हैं एक और लेटेस्ट अपडेट की खबर की ओर जो आ रही है इंदौर प्राणी संग्रहालय से। इंदौर प्राणी संग्रहालय में जल्द ही मुंबई से जेब्रा लाया जाएगा। वहीं अब यहां आने वाले दर्शकों के लिए शिवा की जगह अर्जुन की दहाड़ सुनाई देगी। एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत हरियाणा से शेरों की अदला बदली की गई है। इसके तहत 4 साल के शिवा को वहां भेजा गया है और वहां से 3 साल के अर्जुन को इंदौर जू में लाया गया है। जानकारी के अनुसार कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में सोमवार को हरियाणा से भिवानी से लाए लॉयन अर्जुन को यहाँ लाया गया है, इंदौर लाया गया है। जू प्रबंधन अभी कुछ दिनों उसके खान पान और उसके रहन सहन को वॉच कर रहे हैं। जू प्रभारी उत्तम यादव के मुताबिक जू में हर साल कई प्राणियों के इस तरीके से एक्सचेंज किया जाता है। सालों से ये जो एक्सचेंज प्रोग्राम है वो लगातार जो है वो जारी है और ये एक्सचेंज प्रोग्राम जो है वो करा जाता है ताकि यहाँ पर जू में जो जितने भी लोग आए विजिट करने आए उनको एनिमल्स को देखकर, खासतौर पर बच्चे जब जू में आते हैं तो उन्हें एनिमल्स को देखकर खुशी हो और उनके बारे में जानकारी मिले, इसके तहत ये एक्सचेंज प्रोग्राम जो है वो करा जाता है। आज के न्यूज़ रूम में बस इतना ही। देश और प्रदेश की सारी खबरों के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।